देखिए बच्चों, आपका रिंग चल रहा था, रिंग में आपके दो लेक्चर हो चुके थे, तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और आज पेज नंबर 192 पर एग्जाम के नंबर 8 से स्टार्टिंग हो गई। इसमें क्या आपसे कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सोधर सिद्ध कीजिए the set of all real value continuous functions, मतलब एक सेट है यार जो सभी रियल वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शंस का सेट है, जिसको डिफाइन किया गया है इन द क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच, और ये कम्यूटेटिव रिंग, आपको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है विद यूनिटी, यूनिटी के साथ विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन पॉइंट वाइज एज फॉलोज, मतलब ये प्रॉपर्टी के अनुसार आपको चलना है और आपको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है विद यूनिटी, यूनिटी के साथ। नमस्ते, जरा देखना आपका जो सेट है उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन को किससे ड्राउंड करते हैं आप, एफ एक्स से एक्स इस प्रकार से ड्राउंड करते हैं, और सभी फंक्शन रियल वैल्यू है, अर्थात अगर हम फंक्शन एफ एक्स लें तो ये फंक्शन एक्स के केवल उस मान के लिए जो इस इंटरवल में लाई करेगा उस मान के लिए डिफाइन है, इस मान के लिए अगर हम एफ एक्स लें केवल उस मान के लिए डिफाइन होगा जिसमें x इस इंटरवल में लाई करेगा, अगर x 0 से छोटा या 1 से बड़ा तो डिफाइन नहीं होगा। आया नहीं तो सबसे पहले सवाल की स्टार्टिंग करनी है, वो हमें जमाना है, देखना है क्या दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट बच्चों फंक्शंस के सेट को इसने किससे डिफाइन किया गया है, R से डिफाइन किया है, द सेट R ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन, क्या लिखेंगे लेट मतलब जो दिया है R इज इक्वल टू द सेट फ्रेंड्स है हां फ्रेंड्स अरे बाप रे बड़े आराम से आ रहे हैं R द सेट ऑफ ऑल नमस्ते कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर विच जिसके लिए एक्स बिलोंग करेगा सिर्फ वैसे इंटरवल, क्या लिखोगे आवाज नहीं बच्चों, लेट माना एफ एक्स फॉर ऑल का साइन लगाकर जी एक्स एच एक्स एन डॉट डॉट बहुत सारे एलिमेंट हैं ये सब इसको बिलोंग करते हैं आर को, देन तब आर इज इक्वल टू सेट बना देते हैं एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एन डॉट डॉट ये आपका सेट है आर। इस आर को हमें पता है क्या सिद्ध करना है, देखिए एडिशन प्लस और गुणा का हिस्सा है, देखिए यहां वी हैव टू डू हमें सिद्ध करना है, हियर वी हैव टू प्रूव हमें सिद्ध करना है दैट इट आर इज ए कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, किन ऑपरेशन के लिए इसने नाम नहीं बोला है, अच्छा बोला है विद एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन, मतलब ऑपरेशन प्लस का मल्टीप्लाइकेशन का है, लेकिन उसने डिफाइन भी किया है डिफाइंड है। हाँ तो प्रिंस कुमार दो दिन कहाँ थे आप, अब सही हो, परसों वाला लेक्चर पढ़ा है तुम्हारा, अभी दो दिन का लेक्चर भाई तुम्हारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों
कल हमने वीडियो एक बार यही लगाई थी 3 बजे, एक बार हमसे हमारी गलती से कट रही थी, हम भूल गए शॉर्टिंग में लगा रखी है और हमने किसी का मैसेज पढ़ लिया, ऊपर जो नोटिफिकेशन आते लगभग 4:15 बजे, उसके बाद हमने 4:15 बजे लगाई, 8 बजे तक हमने इंतजार किया कि वीडियो एक्सपोर्ट होगी, हुई, काम रह गया बहुत थोड़ा सा, ना के समान ये लगा कि अब तो हो ही जाएगी 5-10 मिनट में, तो हम बाहर चले गए फोन अंदर रखे, अब 10 मिनट हम बाद लौटे के देखें एक्सपोर्ट हो गई होगी तो बताना, इतना दिमाग खराब हुआ, 5 घंटे का इंतजार देखा, उसके बाद फिर 10 बजे लगाई नहीं, फिर गेट लगाई हमने बी एस सी सेकेंड ईयर की, थोड़ी छोटी ज्यादा थी, लगभग 48 मिनट की सी थी, तो वो सुबह तक हो गई थी, तो बड़ी समस्या चल रही है, किसी दिन तो आधा घंटे में एक्सपोर्ट हो जाती है 1-1.5 घंटे की भी, और किसी दिन 50 मिनट की भी ना हो पाती, अगर चाहो तो इन शेयर से डाल सकते हो, इन शेयर से डल जाएगी, देखिए डिफाइंड एज इस प्रकार डिफाइन किया गया है, किस प्रकार डिफाइन किया गया है, एफ प्लस जी वेरिएबल एक्स के मतलब फंक्शन एफ और जी है, लेकिन किसी भी वेरिएबल के लिए तो डिफाइन होगा, कोई फंक्शन विदाउट वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, तो फंक्शन एफ और जी दोनों का सम वेरिएबल एक्स के लिए डिफाइन कैसे किया उसने, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे तो एडिशन डिफाइन किया गया है, एंड मल्टीप्लाई, एफ और जी दो फंक्शन है और किसके हैं, एक्स के हैं, तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, जरा यही दे रखा गया, ऐसे डिफाइन आपसे किया, तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिंक को सिद्ध करना है कम्यूटेटिव विद यूनिट, तो बच्चों आपको ध्यान है कम्यूटेटिव विद यूनिटी में हमें प्लस के लिए अवेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, गुणा के लिए मोनोइड सिद्ध करना है, गुणा के लिए मोनोइड सिद्ध करना है, कम्यूटेटिव अलग से सिद्ध करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन अलग से सिद्ध करना है, तो देखिए आप कैसे जमाओगे सवाल को, देखिए आवाज में एक साथ लिखे या अलग अलग लिखे, टू टू सिद्ध करने के लिए दैट के आर इज ए कम्यूटेटिव विद यूनिटी, सिद्ध करने के लिए आर कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, बी हैव टू फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है निम्नलिखित एक्सियम्स, उनमें से नंबर ए तो है कि आर प्लस के लिए इज एन अवेलियन ग्रुप, ये हमें ए में लिखाना है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी लिखानी है बच्चों, बी में हमें दिखाना है आर गुणा के लिए, मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ आपको, इज सेमी ग्रुप लिखे दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, सेमी ग्रुप, सी में आर इज कम्यूटेटिव टेटिव फॉर मल्टीप्लाइजेशन, और डी में आर इज यूनिटी विद या फॉर मल्टीप्लाइजेशन, और ई में मल्टीप्लाइकेशन इज डिस, बच्चों बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ऐसे सवाल की स्टार्टिंग कर ली, सवाल की भूमिका तैयार है, अब आपको बताएं हमें क्या करना है, देखिए स्टार्ट करते हैं ए आंसर, आपको अगर ये लगे कि सर जी अब हम अपने आप कर लेंगे तो बीच में से छुड़वा सकते हैं, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल ऐसे ही है, देखिए ए डाल दो, आर प्लस के लिए इज एन अवेलियन ग्रुप, प्लस के लिए क्या है अवेलियन, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्शन, दो एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट किस प्रकार के हैं, ये
FHGXHX या FGH शॉर्ट में, इसमें शॉर्ट में FGH। बच्चों क्या लिख लो आप शॉर्ट में लिख लो, लेट एफ कॉमा जी बिलोंग किसको करेंगे आर को। देन तब बच्चों इसमें आपको लिखने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहली प्रॉपर्टी तो इसने दे रखी है। तो इसको जब आप किसी एलिमेंट एक्स के लिए डिफाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और ये पूरा फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ही है शॉर्ट में लिखा हुआ है और ये गिवन ही है एफ एक्स और जी एक्स। देखिए इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है हमें और ये उसने ऑलरेडी लिखा तो हमें ज्यादा इसने माता बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे बिलोंग कर रहा है इसको। सो आर इज क्लोज और बोर्ड ऑफ और इसके लिए एडिशन से। अब बच्चों नंबर दो पे एसओ सी ए पी पी एसओ सी ए एसोसिएटिविटी, इसमें तीन एलिमेंट चाहिए आपको। पहले आप वो फोटो क्लिक कर लो, यहाँ तक बहुत जल्दी फोटो क्लिक कर लो। आवाज बंद कर ले बच्चों, मैं एक चीज और समझनी है तुम्हें, पहले फोटो क्लिक करो। हो गया, देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो को ना बन, जरा वापिस आना सवाल में जो कहा था आर क्या है सेट है ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, अर्थात ये जो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कैसे हैं कि इनकी वैल्यू रियल है। क्या है इनकी वैल्यू, अब जब एक्स बिलोंग करेगा इस इंटरवल और हमें एक्सेस नहीं लेना। अब जब इनकी वैल्यू रियल है एक तरीका से देखा जाए तो ये सेट रियल नंबर का ना हो गया, तो ये दोनों ये सब नंबर रियल नंबर है या नहीं है, और दो रियल नंबर को जोड़ दे तो रिजल्ट रियल नंबर ही आता है और रियल नंबर का सेट आपका ग्रुप। और दो रियल नंबर तो एफ एक्स और जी एक्स रियल नंबर और दो रियल नंबर का जोड़ भी रियल नंबर, समझ में आ गया नहीं। ये हो गया आर इज यूज फॉर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर दो इसको रफ में, ये आपको ध्यान ही रखना है क्या ऑपरेशन दिया है, इस थ्योरी को भी मिटा रहे हैं इधर से भी ये सब मिटा दिया। एसोसिएटिविटी लिखूंगा बस। अब बच्चों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल एक्स सब एक्स के लिए जो एक्स इसमें बिलोंग करेगी जीरो कॉमा वन में बिलोंग करेगी। तो वी हैव टू ग्रुप तीन एलिमेंट लेकर एफ जी एच लेंगे हम एलिमेंट और सिद्ध करेंगे। देखिए क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू ग्रुप हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच हमें सिद्ध करना है। तो कोई भी काम करें फंक्शन करें बिना वेरिएबल के तो डिफाइन करेंगे, तो हम एल एच एस ले रहे हैं एल एच एस, और एल एच एस बच्चों क्या ले रहे हैं एफ प्लस जी प्लस एच एक्स एलिमेंट पर हम डिफाइन करते हैं। जरा देखना आप ध्यान से, आप इसको हम अलग अलग जब लिखें तो ये इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। हम मुझे एक बात बताओ, इसको हम एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं, एक बार बताइए है तो ये रियल नंबर, कोई सवाल नहीं ऊपर कह दिया रियल वैल्यू फंक्शन, जब ये रियल नंबर है आपके
तो रियल नंबर तो बच्चों ग्रुप होता रियल नंबर का सेट, और जब रियल नंबर का सेट ग्रुप होता तो एसोसिएटिविटी सेट सही है। अब उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। अब एफ एक्स प्लस जी प्लस एच एक्स, और अब जो एक साथ करना चाहो ऐसे लिख सकते हो आप। अब इम्प्लाइज क्या करेगा, तो अब इतने बराबर इतना ये जो माना इसी का तो है, हो गए इम्प्लाइज करेगा भी है, वही रखते हैं क्या रखते हैं एफ प्लस जी प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच और एक्स। एक्स एक्स को कैंसिल करेंगे, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा आपका, और ये क्या है ठीक इम्प्लाइज कर गया कि R इज एसोसिएटिव। बच्चों यहाँ जो भी प्रॉपर्टी है आप जो एक आध समझे जरूरी अपने अपने इम्प्लाइज करेगा R इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन। जिसको जो भी कुछ पूछना है वो स्वयं पूछ ले भाई, दूसरे से ना कहेंगे पूछ ले। आपसे मैंने कभी मना नहीं किया बताने के लिए, अगर कोई दूसरा पूछेगा तो ये ऐसा कह रहा है तो ध्यान लगना उसको झाड़ दूंगा ढंग से। जिसको पूछना है खुद ये करके कहे सर जी मेरी समझ नहीं आ रहा, इस चीज को दोबारा समझा दो, चार बार बताऊंगा, लेकिन किसी दूसरे से मत कहो कैसे पूछ रहे। अब नंबर तीन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चों यहाँ एफ जी एच फंक्शन माने गए हैं, आइडेंटिटी फंक्शन मानना है। आप जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से व्यक्त करते हैं, इससे करते हैं आई से व्यक्त करते हमारे बंदे में पड़ा फ्रेंड्स में जब तक पिछले दो दिन के लेक्चर में ना ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं ग्रुप का सा ही काम है। क्या करना है हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए बच्चों एक तो फंक्शन उसमें से ही चाहिए, दूसरा फंक्शन जी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या लिखेंगे अब आप लेट एफ बिलोंग किसको कर रहा है आर को कर रहा है एंड एन अदर एलिमेंट, एक अन एलिमेंट आई जो आर को ही बिलोंग कर रहा है, और सच दैट इस प्रकार बिलोंग कर रहा है, किस प्रकार बिलोंग कर रहा है एफ प्लस जी आई। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कोई चलो इसको बाद में लिख लेंगे एफ ही प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो एफ ही प्राप्त हो, तब आई को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी। अभी नहीं कह सकते, अभी पहले चेक कर रहे हैं कि एक्स कैसा आएगा, क्या आएगा आपका, या एक्स रखकर किस प्रकार का रिजल्ट आएगा देखना भी है। हम रखते हैं एफ प्लस आई एक्स इज इक्वल टू कितना एफ एक्स। अब बच्चों एक बात बताओ यार एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे इधर देखो यार आई एक्स इज इक्वल टू इसको आप जीरो नहीं लिख सकते हो क्या, या जीरो एक्स लिख दो, लेफ्ट कैंसिलेशन नो लगाओगे क्या प्राप्त होगा आपका आई एक्स इक्वल टू जीरो एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है रियल है या नहीं है जीरो, क्या है ये वैल्यू रियल, उसी सेट के अंदर आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज करेगा आई या आई एक्स इज एन आइडेंटिटी, इसको लिख देना बिलोंग करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो ना लिख दिया गलती से इम्प्लाइज हो गया
अगली प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं, नंबर चार पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व, जनावाज में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व। बच्चों इनवर्स एलिमेंट का जो अस्तित्व होता है वो कैसे करते हैं आप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप लिखते हैं लेट एफ एक्स, या शॉर्ट में लिख दो एफ, बिलोंग करना है किसको, एंड आर, हाँ आर, एंड एन अदर एलिमेंट, क्या लिख दू, जी लिख दू, बिलोंग करेगा आर को, आर को है। तो हमें दिखाना है कि जी आपका इनवर्स है, ठीक, तो अभी नहीं कह सकते हैं, यहां लिखेंगे लेट एफ बिलोंग करेगा आर को एंड एन अदर एलिमेंट जी, ये बिलोंग करेगा आर को, और देखना देन तब जी इज सेड टू बी, जी सेड टू बी इनवर्स ऑफ एफ इफ कंडीशन क्लियर हो रहा है, कब बिलोंग करेगा, जब एफ इंटू जी क्या प्राप्त हो जाए, आई के एफ प्लस, अरे हाँ प्लस, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन, एफ प्लस जी इक्वल टू आई, देखिए क्या लिखोगे, बी है एफ प्लस जी एक्स और इजीगल टू क्या आई एक्स, और बच्चों ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और आई एक्स क्या था जीरो या जीरो एक्स, यही तो था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, जी निकाल रहे हैं, जी अगर इस आर के ही अंदर आ जाता है तब हम कहेंगे कि हाँ इनवर्स है, इस कंडीशन से सेटिस्फाई करते हुए। बच्चों पहले इतना फोटो क्लिक कीजिए इसका, पहले इसका फोटो क्लिक कीजिए, हो गया फोटो क्लिक, करें ना वहां साथ में ये जरूर लिख दें, मुझे ध्यान ना रहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो को, ये जरूर लिख दें। तो मुझे एक बात बताइए आप सर कि इसको आप जी एक्स निकाल रहे हैं, जीरो एक्स माइनस एफ एक्स, तो इसको जीरो माइनस एफ नहीं लिख सकते हो क्या, अब देखिए जरा ध्यान से, जी बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस एफ, तो क्या चेंज हो रहा है, केवल माइनस का ही तो चेंज हो रहा है, रियल नंबर क्या माइनस होती है नहीं होती है, तो अगर किताब में थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में किस तरीके से लिखा, बुक में इसने जीरो को ई यूज कर लिया है, क्या यूज कर लिया, जीरो को ई यूज कर लिया, बाकी और कोई चेंज नहीं है। देखो ई एक्स बराबर क्या लिखा है इसने, जीरो, हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे जीरो ही लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका, देखिए अब ध्यान से क्या लिख जाएगा आपका, आवाज नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल, जी जी का टू कितना माइनस का एफ, और ये किसको बिलोंग करेगा, तो अंदर देखना हम इनवर्स किसका निकालना है, एफ एक्स का ही तो निकालना है, और वो क्या आ गया, और ये किस कंडीशन में, एडिशन की में तो आता है, तो इम्प्लाइज कर गया, क्या कर गया, इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज कितना, जी एक्स बराबर जी एक्स, हमने माना ही तो था जी एक्स का मान तो माइनस एफ एक्स है, तो इम्प्लाइज कर जाएगा क्या,
each element of R consists inverse element. अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या रह गई, कम्यूटेटिविटी। देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग करे 0,1 को, लेट एफ को मल्टी बिलोंग करे, देन तब वी हैव टू प्रूव, हर कुमार हमें यहां क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें दिखाना है कि एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस वी हैव, हम रख दें एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको बच्चों आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, है? अब ये बताओ मुझे एफ प्लस जी को आप जी प्लस एफ नहीं लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये इसको लिखो शॉर्ट में लिखो एफ प्लस जी बराबर कितना जी प्लस एफ, ये लिख सकते हो, तब लिखोगे बी है एफ प्लस जी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स। मुझे एक बात बताओ एफ एक्स और जी एक्स क्या रियल नंबर नहीं होंगे, और रियल नंबर का सेट ग्रुप नहीं होता है, पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसको हम जी एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं। बच्चों अगर नोट्स में मैंने जीरो की जगह ई यूज कर लिया हो अगर, तो टेंशन मत लेना कि सर जी ने यहाँ ई यूज किया है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है एक ही सवाल को तुम चार बार निकालोगे तो कैलकुलेशन हो सकता है चार तरीके से ही हो जाए। तो अब बच्चों मुझे एक बात बताइए जरा, ये जी एक्स प्लस जो एफ एक्स है इसको जी प्लस एफ लिख सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल, जो हमें सिद्ध करना था वही चीज आ गई। पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो इंप्लाइज करेगा आर प्लस के लिए इज एन, तो मुझे एक बात बताओ जरा क्या ये अलग है ग्रुप का सही काम ना है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने अगर प्लस के लिए प्रूफ की है तो गुणा के लिए आ गया आप सुन सभी प्रॉपर्टी, ठीक है बुक में भी बोलेंगे और मेरे नोट्स में भी, ना समझ में आए तो कल लाकर पूछ सकते हैं। अब बच्चों सवाल मैट्रिक्स का आ जाए तो कैसे करोगे आप, एक सवाल लास्ट मैट्रिक्स के और हिंट दे दे रहा हूं मैट्रिक्स में, देखो मेरे मैट्रिक्स का सवाल कोई करवाया या नहीं करवाया उसने दोस्तों, रोहित कोई देखो मैट्रिक्स को करवाया है हमारे सर, ठीक है राइटिंग अच्छी है, अरे राइटिंग के उसको पूछ रहे हैं बड़े बात है हम सब का बेटा और दादी ने सिंबल कितने सी बिल्कुल बच्चों कर दू इसको मेरा, बाकी आप स्वयं करके लाएंगे काम। देखिएगा आवाज नहीं, अगर सवाल मैट्रिक्स का आ जाता है, इसका आ जाता है मैट्रिक्स का, जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, गिवन एग्जांपल ऑफ ए स्क्यू फील्ड, ए स्क्यू फील्ड का एग्जांपल दीजिए, बेस इज नॉट ए फील्ड जो फील्ड नाम, तो आप इसमें एलिमेंट कैसे मानोगे, जनरल में ए प्लस आई सी प्लस आई और ई प्लस आई एम और जी प्लस
इस तरीके का मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे या जो भी दे दे इस तरीके से, तो आपको घबराना नहीं है कि मैट्रिक्स का है तो कैसे है? जिस प्रकार के एलिमेंट उसमें लिए हैं उसी प्रकार के एलिमेंटों से सेट बनाना है। माना एक ये हो गया, ऐसे ही बी बना लेना, बी में लिख देना है ए वन प्लस आई बी वन, सी वन प्लस आई डी वन, ई वन प्लस आई एफ वन और जी वन प्लस आई, चलो रहने दो इससे कोई परेशानी नहीं। सी ऐसे ही सी मान लेना। अब एडिशन का करना है तो जोड़ दे कैसे दो मैट्रिक्स को, दो में बनना है एसोसिएटिव करना है तो तीन मैट्रिक्स ले ली जाएंगे, और फिर आइडेंटिटी करना है तो एक मैट्रिक्स ऐसा लेना है जिसको जोड़ के वही चीज आ जाए, तो ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, है उसमें ठीक है, अगर आ जाए तो करना है और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, एग्जाम्पल हमारी तरफ से फिनिश हो चुके हैं, अब आप एक्सरसाइज कराइए और देखिए एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखो जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर छह, सवाल नंबर छह, सवाल नंबर सात, सवाल नंबर छह, सवाल नंबर सात, और बच्चों आठ लगे हुए सुधारने प्रणाली में, जिसके लिए आठ नौ दस ग्यारह बारह, और इधर आपका ये सत्रह का सेकंड पार्ट करना, सत्रह का सेकंड पार्ट। और बच्चों बस आपको यही सवाल करने हैं, टाइम को देखते हो, पिछले साल तो मैंने और भी ज्यादा सवाल करवाए थे, अगर कोई करना चाहे तो एक्स्ट्रा उन सवालों को कर सकते हैं जो पीडीएफ में मिल रहे होंगे। देखिए देखिए सबसे पहले इसमें सवाल किस प्रकार से है, ये सवाल नंबर छह मैंने लगवाया है, क्या कहा है, प्रूव दैट दीजिए द सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स के सेट को इसने आपसे व्यक्त किया है, क्वेश्चन नंबर छह। मैं भी करा चुका हूँ तुम्हें इन सवालों को, क्या दिया है, जीरो एक दो तीन चार, जीरो एक दो तीन चार, ये सेट है, ये फील्ड बनाता है, किसके लिए बनाता है, अंडर एडिशन मॉडल ऑफ फाइव एंड मल्टीप्लाइकेशन मॉडल ऑफ फाइव। तो देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि आर किसके लिए, एडिशन मॉडल ऑफ फाइव और मल्टीप्लाइकेशन मॉडल ऑफ फाइव के लिए इज ए फील्ड, ये सिद्ध करना है बच्चों। क्या हमने आपको एक एग्जाम्पल कराया नहीं है फील्ड का, और इसी प्रकार से तो था सवाल, पहला सवाल में क्या करना है, पहले शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, देखिए आर को एडिशन मॉडल ऑफ फाइव के लिए अभिलेख रूप सिद्ध करना है, और आर को मल्टीप्लाइकेशन मॉडल ऑफ फाइव के लिए भी अभिलेख रूप सिद्ध करना है, और इसको ए मानते हैं, इसको भी, क्योंकि पांच प्रॉपर्टीज में पांच, उसमें पांच पर दस, और सी अकेली होती है, क्या होता है मल्टीप्लाईकेशन नहीं लिखना है, मल्टीप्लाईकेशन मॉडल ऑफ फाइव लिखना है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन मॉडल ऑफ फाइव। बच्चों क्या करवाओगे सवाल में, करवाया नहीं एग्जाम्पल में, अपने आप करोगे ठीक, और आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिन बच्चों में ना हो उनके लिए मैं करवा चुका हूँ सवाल एग्जाम्पल। तो बस छठाई सवाल बहुत है, सातवां सवाल अगर आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, तीन पार्ट दिए हैं, तीन में प्रूव दैट सेट आर, बच्चों सेट आर दे दिया, क्वेश्चन नंबर अगले में
सात में, क्वेश्चन नंबर सात में फर्स्ट पार्ट आर क्या दिया है, 012 मॉडलो 3 इज ए फिल्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लाई। देखो बोलने का तरीका कर दिया, अब इसने एडिशन और मल्टीप्लाई के साथ मॉडलो ना देकर यहां दे दिया। इसका मतलब क्या है, अब फिर से एडिशन मॉडलो 3 और मल्टीप्लाई मॉडलो 3 के लिए क्या है, ये भी फिल्ड से संबंधित बच्चों सेम, कितना अंतर हुआ, ऊपर वाले में 4 एलिमेंट है और इसमें ऊपर वाले में 5 और इसमें 3 है। बच्चों जो सातवें का सेकंड पार्ट है ना वो ऊपर वाला ये, बस उसने क्या कह दिया है, शॉर्ट में उसको i3 मतलब फर्स्ट 3 इंटीजर्स, i3 का मतलब फर्स्ट 3 इंटीजर, और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी ये क्या है, फर्स्ट 3 इंटीजर ये तो बस कहने का मतलब पहला वाला से होना चाहिए। और बच्चों सातवें का थर्ड, इसमें जरा ढंग से समझेंगे, करना नहीं है बस स्टार्टिंग समझनी है। आर में क्या दिया है, 0,1 और मॉडल 2 दिया है आपको, आर को एडिशन मॉडल 2 और मल्टीप्लाई मॉडल 2 के लिए क्या सिद्ध करना है, फील्ड सिद्ध करना है। बच्चों अब आपको सबसे पहले समझना है कि रिंग में कम से कम कितने एलिमेंट होने जरूरी है, रिंग में फील्ड में इंटीरियर डोमेन मतलब जितनी भी चीजें रिंग से बनी है सब में कम से कम 2 एलिमेंट 2 ऑपरेशन जरूरी है। जब 2 ऑपरेशन जरूरी है तो उस सेट में जिसको हम रिंग सिद्ध करेंगे या फील्ड सिद्ध करेंगे या इंटीरियर डोमेन या स्कूबिल या कुछ और जो रिंग से बना हुआ है उसमें भी कितने एलिमेंट होने जरूरी है, कम से कम 3 कम से कम, तो जरा 3 की व्याख्या करना क्यों, तो ग्रुप में तो काले हमने 2 एलिमेंट वाला भी सेट ग्रुप सिद्ध करवाया था, बढ़ा लिया था, ऐसे ही इसमें बढ़ा लेंगे तो डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए इसमें। अब सुनो 2 क्यों होने चाहिए और उसमें 1 क्यों होना चाहिए था, उसमें था एक ही ऑपरेशन प्लस का था तो प्लस की आइडेंटिटी 0 होनी जरूरी थी, गुणा का था गुणा की आइडेंटिटी 1 जरूरी थी, इसमें प्लस भी है और गुणा भी है, बच्चों प्लस की आइडेंटिटी 0 जरूरी है और गुणा की आइडेंटिटी 1 जरूरी है, बाकी अपनी तरफ से हम इंक्रीज करते रहेंगे, तो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने जरूरी है, कम से कम दो। तो कोई भी सेट रिंग ग्रुप फील्ड इंटीरियर डोमेन स्क्यू फील्ड कम्यूटेटर रिंग या कम्यूटेटर रिंग विद यूनिटी या जो भी चीज रिंग से मिलकर बनती है उसके लिए सेट में कम से कम 2 एलिमेंट होने जरूरी है, और वो दोनों ही एलिमेंट आइडेंटिटी होते हैं, एडिशन के लिए एक क्लियर हो गया, तो इसको आप तो स्वयं कर दोगे, टेबल बना के ही करना है। इसके बाद बच्चों जरा 8वें में देखो मैंने क्या कहा था, बहुत छोटी सी चीज है 8वें में, मेरे लाई है 2000 में, और देखिए कैसे सिद्ध करनी है आपको। बच्चों जब ये खत्म हो जाएगा ना एक दिन, फिर मैं उस दिन मेहनत करूंगा घर और छांटूंगा कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया और आपके पेपर में आया हुआ है, अगर 10-5 प्रश्न ऐसे निकले तो एक लेक्चर ऐसे प्रश्नों की डिग्री होगा। तो बच्चों 8वां प्रश्न है, इसने कहा इन ए रिंग, एक रिंग में और रिंग क्या डिनोट की उसने, इन ए रिंग आर, एक रिंग आर, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चों तुम्हारे पेपर अप्रैल में भी संभावित ना हो, अगर हुए तो भी अप्रैल के बाद एक आध पेपर हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी तो प्राइवेट फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं अप्रैल से इलेक्शन भी है। हाँ अप्रैल में इलेक्शन, पर इसका इलेक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ता यूजी का, इसका डिग्री कॉलेज के एग्जामों का या इसकी पढ़ाई का इलेक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोफेसर लोग किसी इलेक्शन वगैरह में नहीं जाते हैं। तो प्रूफ दैट सिद्ध क्या करना है, माइनस माइनस ए इज इक्वल टू ए,
तो इलेक्शन कब है कब नहीं उससे कोई मतलब नहीं है इस पे इन पेपरों का। देखिए आप जानते हैं हमेशा माइनस की माइनस में गुणा करके ये लिखते आए, लेकिन इसको रिंग में कैसे सिद्ध करना है, किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, दो चार लाइन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बताना है कहां इतने इक्वल टू इतने है एक रिंग के अंदर। जरा देखना ध्यान से, देखिए लेट ए बिलोंग करेगा किसको, कोई परेशानी नहीं, देन तब माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा क्यों, क्योंकि अगर ए रिंग का है तो माइनस ए उस ए का इनवर्स है, ठीक है, किसके लिए प्लस, कारण लिखोगे सिंस चूंकि माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस ए एक एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट का फिर से मैं इनवर्स करूं वही एलिमेंट होता है, अब क्या प्रॉप लिखोगे प्लस, क्यों बिलोंग करेगा आर को, या रीजन लिखोगे संसुगी इफ यदि ए बिलोंग कर रहा आर को इम्प्लाइज करेगा माइनस ए भी बिलोंग करेगा एंड इनवर्स ऑफ माइनस ए एडिटिव इनवर्स होगी, एडिटिव को प्लस लिख दूं, प्लस इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए आर, क्या हो गया, हो गया ना, तो इम्प्लाइज कर गया माइनस माइनस ए इक्वल टू ए, बेवकूफ बनाया है और प्रॉपर्टी लिखी है दो बार, फोटो क्लिक कर लो जिसको भी करना है। अब आपने बच्चों अब ये जो 9 और 10 सवाल है एक सवाल इसमें से आपको करवाऊंगा, बस पूछो कौन सा करवाओगे, 9 या 10 में, पेपर में 10 में आया हुआ है, 10 में तो यार फील्ड नाम से तुमने कई सवाल कर दिए, 9 में वो देख लो बेशक वो पेपर में ना दिखाई दे रहा तुम्हारे लिए पक्का म्यूटेटेड नहीं विद आइडेंटिटी, चलो देख लो 10 में ही देख लो क्योंकि 9 में तो अपने आप हो ही जाएगा 10 में। बच्चों आज तीसरा लेक्चर है ना, बाकी दो लेक्चरों में आगे का काम खत्म है क्योंकि आगे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आगे और दो लेक्चरों में टाइम